नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील धारा 19(3) के तहत कैसे दायर करेंगे, सूचना आयोग में एवं दायर करते समय मुख्य बिंदुओं के बारे में जानेंगे, जिन्हें जानना हर सूचना प्राप्त करने वाले जनता या आरटीआई कार्यकर्ता को जानना अति आवश्यक है। आप लोग देख रहे हैं, यह द्वितीय अपील हेतु फॉर्म है। धारा 19(3) के तहत मैं बिहार राज्य से बिलोंग करता हूं, इसलिए बिहार राज्य सूचना आयोग सूचना भवन से संबंधित है। इस तरह का ये फॉर्म है, आप लोग ध्यान देखेंगे, इस तरह करके फॉर्म भर के अपना हस्ताक्षर करके देना पड़ता है। इसमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जिन्हें आप लोग ध्यान रखेंगे कि कुछ बातें हम लोग अपनी पूरी तरह नहीं रख पाते हैं इस छोटे जगह में, इसलिए आप लोग सादा कागज़ पर भी एक आवेदन लिख सकते हैं। आप लोग ध्यान देंगे कि किस प्रकार लिखेंगे। यह मैंने सूचना आयोग के तहत एक सादा कागज़ पे इसी तरह अपनी पूरी बातों को लिखा है। द्वितीय अपील का प्रपत्र धारा 19(3) के तहत सेवा में बिहार राज्य सूचना आयोग, आप लोग जिस भी राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, दिल्ली राज्य सूचना आयोग, जो भी जिले जो भी स्टेट से बिलोंग करेंगे राज्य से, उनका नाम देंगे, अपना पूरा पता लिखेंगे। विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील के संबंध में आवेदक जो हैं वो अपना नाम लिखेंगे, पूरा पता लिखेंगे, लोक सूचना पदाधिकारी का नाम, जिस भी लोक सूचना पदाधिकारी के आप खिलाफ आवेदन कर रहे हैं, द्वितीय अपील कर रहे हैं, उनका नाम लिख देना है। मैंने यहाँ एसपी नवगछिया के खिलाफ मैंने अपील कर रहा हूँ, लोक सूचना पदाधिकारी सब पुलिस अधीक्षक पता दे देना है। पुलिस अधीक्षक का कार्यालय नवगछिया, पुलिस जिला नवगछिया, जिला भागलपुर, पिन कोड। तो आप लोग जिस भी लोक सूचना पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत करेंगे, अपील करेंगे, तो आप उनका नाम और पूरा पता लिखेंगे। अब मांगी गई सूचना जो आपने प्रपत्र को में, आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भी आपने सूचना प्रपत्र को द्वारा मांगी थी उसी सूचना का वर्णन इसमें लिख देंगे। आप लोग देख लें कि यह प्रपत्र को है, या आप लोग डाले होंगे, जो भी मांगी गई सूचना इसी को वहाँ लिख देना है। आप लोग लगातार ध्यान रखें। इसके बाद मांगी गई सूचना का विवरण जो हम लोग मांगे थे प्रपत्र को में, उसके बारे में हम लोग लिख देना है, चाहे वह सूचना मिली या ना मिली, झूठी सूचना दी गई या भ्रामक सूचना दी गई है, जो भी सूचना दी गई है उस बारे में यहाँ अपना वर्णन कर देंगे। और फिर है प्राप्त सूचना, जो भी सूचना आपको प्राप्त हुई है या नहीं हुई है इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो मुझे सौसमय वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब प्राप्त प्रथम अपील का तथ्य, मैंने सूचना का अधिकार के तहत दिनांक, जिस भी दिनांक में प्रपत्र को भरे होंगे, को उपरोक्त सूचना मांगने के लिए आवेदन किया था, लेकिन लोक सूचना पदाधिकारी ने सौसमय वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराया, या कराया है तो वो पत्रांक दिनांक से दे देंगे, वो झूठा कराया, जो भी कहना चाहते इसमें लिखेंगे। मैंने इस संबंध में प्रथम अपील दिनांक कितना को दायर किया था, आप लोग प्रथम अपील भी किए होंगे जो उसमें जब किए होंगे, जैसे ये है प्रथम अपील का फॉर्म, आप लोग ध्यान दें कि ये मैंने जिस डेट में किया था उसी डेट का यहाँ वर्णन दे देना है कि मैंने प्रथम अपील जिस भी दिनांक को किया होगा उस दिनांक को दे देना है। तो प्रथम अपील भी हो गया, जो भी तथ्य कहना था हम लोग कह दिए, इसमें लिख देंगे। मैं दायर की थी प्रथम अपील अधिकारी का आदेश, तो इसमें है कि मुझे प्रथम
अपील पदाधिकारी का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ, जिन्हें प्राप्त होगा तो उनके आदेश को भी लगा के पत्रांक दिनांक दे के लिख देना। प्रार्थना देना, आवेदक में मांगी गई सूचना तुरंत प्रदान करने का आदेश दें, साथ ही लोक सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत कार्रवाई के लिए सिफारिश भी करने की कृपा की जाए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, धारा 20(1) के तहत आर्थिक दंड लगाया जाता है और 20(2) के तहत विभागीय या अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। अब निवेदन, इस मामले में मैं स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहना चाहता हूँ, मामले पर फैसला सुनवाई के बाद ही करें। सत्यापन, मैं सत्यापित करता हूँ कि प्रदान की गई सूचना सही है। अपना जिला संबंधित या पता लिख देंगे, यहाँ हस्ताक्षर करेंगे, पूरा पता लिखेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे, प्रपत्र को प्रपत्र 6 जो प्रथम अपील और सूचना मांगने के लिए जो मैंने आवेदन दिया था उसका डाक सहित और शुल्क सहित यहाँ जो है आप लोग लगाना है। शुल्क मैं द्वितीय अपील में भी 10 रुपये का शुल्क है, तो शुल्क के रूप में मैं भारतीय पोस्टल ऑर्डर दिनांक इतना इतना रसीद संख्या इतना से दे रहा हूँ, ये लिख देंगे। अब ये बिहार राज्य सूचना आयोग में कुछ ये लोग अपने मन से कुछ मांगते हैं, खैर और सभी राज्य में हो सकता है ऐसा हो कि उन्होंने 4 एक ही पेज में 4 पता लिख के भेजना है इस प्रकार करके, और उसके साथ एक घोषणा स्वघोषणा जरूर लगाना है। मैं अपना नाम पूरा पता लिखेंगे, घोषित करता हूँ कि समरूप मामले में मैंने कोई अन्य द्वितीय अपील या शिकायत बात दायर नहीं किया या किसी अन्य प्राधिकार या न्यायालय में लंबित नहीं है। अपना हस्ताक्षर और दिनांक दे देंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे, बिहार राज्य से अगर यदि हैं तो वो अपना 4 पता इस तरह करके इसके साथ संलग्न करके भेजेंगे। और ध्यान रखेंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स देंगे, जैसे प्रपत्र को देना है, जैसे ध्यान रखें ये आपका प्रपत्र को हो गया, इसकी फोटोकॉपी पूरा लगेगी संलग्न में, और मैंने यह नॉन जुडिशियल स्टाम्प से ये 10 रुपये का फी जमा किया था, ये और डाक टिकट सहित दोनों ये हो गया प्रपत्र को का। अब प्रथम अपील हेतु जो प्रपत्र 6 दिया गया है उसका भी आप ये लगाएंगे फोटोकॉपी, और उनका फिर जो है ये है आपका शुल्क और ये पता ये डाक टिकट। इस प्रकार करके सारे कागजातों को संलग्न कर ध्यान रखें, सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स देंगे द्वितीय अपील के साथ सभी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी कॉपी जितने भी देंगे सेल्फ अटेस्टेड करके लगाएंगे, और आशा है कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे कि द्वितीय अपील कैसे करना है, या द्वितीय अपील में पोस्टल ऑर्डर जो शुल्क के रूप में देंगे तो बिहार राज्य सूचना आयोग सूचना भवन पटना 15। आप लोग जिस भी राज्य से संबंधित होंगे उसका यहाँ सूचना आयोग का पता देना है, अपना पूरा पता लिखना, इसको क्रॉस करके आधार रख लेना। आशा है आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो उपयोगी लगे तो एक दूसरे को अवश्य शेयर करें, और जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो लाल कलर का सब्सक्राइबर का बटन है उसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे इस तरह की जानकारी आप लोगों को शीघ्र ही मिलता रहे, उसका शीघ्र नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो। जय हिंद।